30 साल में बाईपास बना पाए राहुल गांधी? क्यों, उनकी तो अम्मा की सरकार थी। कांग्रेस के यहाँ पे दबदबा था तब मंदिर में जगदीशपुर में घंटी तक नहीं बजा सकते। अब सोचो, जब बूथ लूट लेता था अमेठी में, वो आज मोदी को लोकतंत्र पे भाषण देते हैं। जो सोनिया जी के रहते अमेठी में काम ना कर पाए, वो मोदी के रहते क्या खाक करेगा? लोगों को बरगलाएंगे, यहाँ खड़े होकर मोदी को गाली बकेंगे, जनता इसको स्वीकार कर लेगी? मोदी की क्या योजना है? गरीब का उपचार 5 लाख रुपए का मुफ्त मोदी कराए। अब कांग्रेस तो चाहती है बंद हो जाए, तो कांग्रेस को वोट देके फायदा है? पूरे जिले में तो ये हालत है। आज क्या डेट हो गई है भैया? 22 है। 26 को वायनाड में चुनाव है। 26 को वायनाड में चुनाव लड़ने के बाद यहाँ आएंगे तमाशा करने, लोगों को बरगलाएंगे, यहाँ खड़े होकर मोदी को गाली बकेंगे, जनता इसको स्वीकार कर लेगी कि जिसने हमको राशन दिया उसको राहुल गांधी आरोप मढ़े, जिसने हमको वैक्सीन दिया टीका दिया राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी उनको गरियाए, ये हमको स्वीकार होगा? इसलिए विशेष बहनों से भाइयों से कहने आई हैं, 20 मई को वोट पड़ेगा मोदी को, क्योंकि योगी की सरकार है, मोदी की आने वाली है, इतना तो पक्का है ना देश भर में। हम तो कहते हैं गुड्डू जी, जो सोनिया जी के रहते अमेठी में काम ना कर पाए, वो मोदी के रहते क्या खाक करेगा? और वायनाड गए तो गए, आपने अनंत बहादुर जी ने यहाँ पर सारी स्मृतियां खोल दी हैं, ये बतलाइए सालों साल शेर बहादुर जी यहाँ लोगों को छलाइए कहकर परिवार है परिवार है। आज तक कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता अगर बीमार हो जाए, घर में कोई विपदा आ जाए, अपने नेता तक पहुंच पाता है? वो हेमंत बिस्व शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, वो बतलाए कि दीदी कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर राहुल जी के घर जाए, राहुल जी अपने कार्यकर्ता की तरफ ना देखें, साथ में बैठे कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं, ये तो उनका संस्कार है। इसलिए आज आप सबसे आग्रह करने आई हूँ, मैं भी वायनाड देख कर आई हूँ क्या किए हैं, बंगाल देख के आई हूँ क्या किए हैं, यहाँ पर मर्यादा में कह रही हूँ, बंगाल में राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो क्या किए हैं? संदेश खाली जाना थोका, संदेश खाली नाम सुने हो? संदेश खाली में राहुल जी का जो समर्थन करने वाली पार्टी है, उस पार्टी ने एक एक हिंदू का घर जाके चिन्हित किया है, फिर राहुल जी के समर्थकों ने उस हिंदू घर की कम उम्र की बहू को चिन्हित किया, ऐसे परिवारों की बहुओं का सामूहिक बलात्कार हुआ है तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में, और जो लोग अपने घर की बहू ना भेंट कर दें उनको, ऐसे परिवारों के बेटों को मारा है, उनके खेतों में सागर का पानी छोड़ दिया ताकि खेत में कुछ ना उपजे। अभी अभी हम लोग यहाँ आने से पहले तिवारी जी के यहाँ ग्राम सुल्तानपुर में थे, वो बता रहे थे हमको कि जब कांग्रेस के यहाँ पे दबदबा था तब मंदिर में जगदीशपुर में घंटी तक नहीं बजा सकते थे। सही है, बता रहे हैं भैया यहाँ कि इतना माहौल खराब था कि बूथ पर आकर, अरे 69 बूथ तो ऐसे जो राजमोहन गांधी महात्मा गांधी के जब पोते लड़ने आए थे अमेठी से, उनके साथ मारपीट करके तब बूथ कैप्चर कर लिए थे, ये क्या दूध के धुले बनते फिरते हैं बाहर? इसीलिए आजकल ईवीएम से इनको बैर है, उठा उठा के बैलेट पेपर बाग में ले जाके, जैसे भैया कह रहे हैं ठप्पा मारा जाता था। शेर बहादुर जी भी मुस्कुरा रहे हैं कि सब पता है, सब जाना था अमेठी में, तब लुटता नहीं था क्या बूथ? लुटता था ना। अब सोचो, जब बूथ लूट लेता था अमेठी में, वो आज मोदी को लोकतंत्र पे भाषण देते हैं। आपने लोकतांत्रिक तरीके से अपना सांसद चुना, इसीलिए जो 30 साल में ना भया वो अमेठी में हुआ। 30 साल में बाईपास बना पाए राहुल गांधी? क्यों, उनकी तो अम्मा की सरकार थी। 30 साल में ककवा रोड का ओवरब्रिज बना पाए? नहीं बना पाए। 30 साल में सरकारी मेडिकल कॉलेज बना पाए? नहीं बना पाए। 30 साल में तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ऑफिस भी नहीं बना पाए, वो भी हम बनाए हैं।
और अब तो कांग्रेस के नेता ही प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यालय से भाषण देते हैं कि हमको क्षेत्र में काम था तो हम दीदी के घर गए। हम कहे वाला तुमको काम है तो हमारे पास आते हो, वोट मांगने फिर जनता के पास जाते हो। सही कह रहे दीदी, कांग्रेस के नेताओं को भी हम ही से काम है, वोट लेना तमाम है। इसीलिए जो विपदा की घड़ी में काम आए ऐसे नरेंद्र मोदी के लिए कमल का बटन दबाएं। और मोदी की सरकार आ रही है, योगी सरकार है, ट्रिपल इंजन अमेठी से लगाएं। 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएंगे तो आने वाले 5 साल भी मुफ्त का राशन पाएंगे। आज मोदी की गारंटी दे रही है, 20 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, आने वाले 5 साल किसान अपने बैंक के खाते में 6,000 रुपया पाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। 20 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे तो आने वाले 5 साल प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा पाएंगे और उपचार का साधन पाएंगे। पहले राहुल गांधी कहते थे आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा, फिर कहते हैं खटाखट फटाफट पूरी दुनिया से भारत से गरीबी हटा दे। हम कहे भैया तुम तो यहाँ भी थे सांसद, फिर कहे खटाखट फटाफट गरीबी नहीं हटाए थे यहाँ से। अब जाने से पहले पूछ रहे हैं कितने लोगों को राम मंदिर का प्रसाद मिला है यहाँ पे, सबने मिला है, सबने खाया, मिला ना सबको, किसी ने राम लल्ला का प्रसाद तो नहीं ठुकराया ना, पाप होता है ना। देखो हर व्यक्ति ने राम लल्ला के मंदिर का प्रसाद पाया, किसी ने प्रसाद नहीं ठुकराया। राम मंदिर वालों ने राहुल गांधी को भी बुलाया था, उनका अहंकार इतना, उन्होंने कहा राम मंदिर हम नहीं जाएंगे। हमारे भगवान का अपमान करते हैं भैया, हम कहते हैं जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। तो भगवान का जो अपमान कर दे वो इंसान का सम्मान क्या खाक कर पाएगा। इसीलिए राष्ट्रभक्त राम भक्त 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा और कमल का बटन